नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार मिश्रा। आज हम लोग देखने वाले हैं जो वस्त्रालय का स्टोर होता है, वस्त्रालय की जो दुकान है। वस्त्रालय मीन्स जैसे जो कपड़े की दुकान है, जो गारमेंट स्टोर है, उसमें अपने व्यापार को कैसे मैनेज करेंगे। जैसे आपके स्टोर में कितने रुपए का सामान है, कितनी क्वांटिटी में है, आज के हिसाब से परचेज की वैल्यू क्या है, आज के दिन में अगर सेल हो जाए तो उसकी सेल की वैल्यू क्या है। दोस्तों, माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में इजी और आसान तरीके से इन सब प्रोडक्ट को कैसे मैनेज करेंगे, उसके रिलेटेड यह वीडियो है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वस्त्रालय को मैनेज करने के लिए आप एक बिलिंग सॉफ्टवेयर कौन सा प्रयोग करें, और साथ में आपको ये बताएंगे कि आप अपने वस्त्रालय की दुकान पे जो सेल्समैन है उनको टारगेट देकर अपने सेल को कैसे इंक्रीज करेंगे, मतलब सेल्समैन को कैसे कमीशन वगैरह देंगे, इसके रिलेटेड यह वीडियो है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहां पर ये देखिए, सेल्समैन का एक ऑप्शन है, सेल्समैन का एक अकाउंट हम बना लेते हैं। यहां पे सेल्समैन का नेम है रमाकांत, सेल्समैन का एड्रेस है लोकल सिटी, लोकल उत्तर प्रदेश। यहाँ पे हमने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। पोस्टल कोड हो गया। यहाँ पे कमीशन हमने डाल दिया कि 2% कमीशन है जितना भी सेल है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर हमने सेव बटन को हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद अभी हम सेल POS बटन पे चले गए। सेल POS पे जाने के बाद बारकोड स्कैन कर लिया, जैसे 0004, 0005, 0006, तीन प्रोडक्ट को हमने स्कैन कर दिया। 3,450 रुपये का बिल बना। अब एक कौन सा सेल्समैन सेलेक्ट किया, इस तरीके से सेल्समैन आपका सेल किया, और यहाँ पे सेटल बटन पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे 3,500 रुपये हमने पे कर दिया और इंटर 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 कर दिया। ये बिल निकल गया। इस वस्त्रालय मैनेजमेंट के इस सॉफ्टवेयर में आप तीन के तीनों तरीके से प्रिंटर आप सपोर्ट करता है, चाहे आपका लेजर प्रिंटर हो जिसको हम A4 साइज, A5 साइज और A6 साइज में हम बिल को प्रिंट कर सकते हैं, चाहे आपका थर्मल प्रिंटर हो 3 इंच और 2 इंच में आपको बिल को प्रिंट किया जा सकता है, चाहे आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो, आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को भी इजी और आसान तरीके से डॉट प्रिंटर को भी आप यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक बिल जो मैंने बनाया, अब इसका जो सेल्समैन को मैंने बेचा, इसका एक लेजर मैं देखना चाहता हूँ कि कौन से सेल्समैन का कितना कमीशन प्राप्त हुआ, कितना मिला हुआ। तो यहाँ पे ये देखिए सेल्समैन लेजर है। सेल्समैन लेजर में सबसे पहले सेल्समैन आईडी सेलेक्ट कर लीजिए आप कि कौन सा सेल्समैन है। यहाँ पर फ्रॉम और टू डेट है, कब से कब तक है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया कि 1 तारीख से 24 तारीख, मतलब आज के दिन तक का इसका पूरा डिटेल हमको देखना है, कितने रुपए का सेल किया। अगर हम जूम ऑप्शन पे करते हैं तो देखिए इनवाइस इन्फो, इस इनवाइस में इनका बिल बना, इस डेट को बना और 2% कमीशन है, टोटल 69 रुपीज़ का कमीशन हो गया। 3450 रुपए का बिल बना था, यहाँ पे इस उसके हिसाब से 69 रुपीज़ का कमीशन हो गया। एक बिल और बनाते हैं, फिर ये चेक करते हैं हम। यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले सेल्समैन को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने 0004 0005 2250 रुपये का यहाँ पे टोटल सेल हुआ। तो यहाँ पे आपने 2300 रुपये सामने वाले ने दिया, इंटर कर लिया मैंने,
और इस तरीके से इनका पूरा बिल निकल आया। बिल निकलने के बाद अभी हम सेल्समैन लेजर देखते हैं, तो सेल्समैन लेजर में इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे डेट बिटवीन मैंने देख लिया, आज ही के दिन इनका काम हुआ है तो आज ही का मैंने पूरा देख लिया और दो कमीशन यहाँ पे आ गया। पहला बिल हुआ 12, दूसरा बिल नंबर हुआ 13, पहले वाले में 69, दूसरे वाले में 45। इस तरीके से 114 रुपये का इनका टोटल कमीशन बना हुआ है और इस कमीशन को उनको आप दे सकते हैं। दोस्तों माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में आपको स्टॉक देखना भी बहुत ही ईजी है कि आप यहां से स्टॉक बटन पर क्लिक करिए। स्टॉक का सर्च का कई सारे ऑप्शंस हैं यहां पे, ब्रांड वाइज है, वीयर वाइज है। यहां सो ऑल रिकॉर्ड करेंगे तो पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। यहां पर अगर आप देखते हैं कि कौन सा कितनी क्वांटिटी में है यहां पे दिख जाएगा, यहां पर टोटल क्वांटिटी कितनी है दिख जाएगा। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आज के दिन के हिसाब से कितनी परचेज का अमाउंट हुआ, आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि टोटल एक एक प्रोडक्ट का और यहाँ पर टोटल परचेज हो गया, यहाँ पे सेल एक एक प्रोडक्ट का टोटल सेल हो गया यहाँ पे। तो दोस्तों माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप इजी और आसान तरीके से आप अपने बिल को निकाल सकते हैं, अपने स्टॉक को चेक कर सकते हैं, परचेज परचेज रिटर्न, सेल सेल रिटर्न, इन सब को देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि आप कैसे सेल्समैन कमीशन सेल्समैन के रूप में मतलब सेलेक्ट करके उनका कमीशन कैसे सेट करेंगे, कैसे उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे और जितना भी बिल सेल हो रहा है सेल के समय सेल्समैन को कैसे सेलेक्ट करना है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कुछ नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।